आज हम भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भूगोल, भूगोल में लेसन नंबर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसका विकास। जैसे कि हमने बचपन से सुना है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये आज भी बच्चे जब भी कोई राइम होती है तो इसी के बारे में बोलते हैं। अब बच्चे क्या, हम सब भी यही करते हैं कि जब बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को, तो उसमें हम कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो तारे, तारे सभी को आकर्षित करते हैं, लेकिन अभी हम पहले ये जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी, पृथ्वी की उत्पत्ति, जैसा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 3.6 अरब वर्ष पूर्व हुई, ठीक है। तो इसमें हम ही कहेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो एक ये था कि हम धीमी ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए एक गुब्बारे की तरह हुआ। कि अब जब एक गुब्बारा है वो सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित था। अब सूर्य, सूर्य क्या है, ये हमारा एक सूर्य है। इसमें क्या क्या चीजें किससे बनेगा, हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस धूल के कण। तो इन तीनों चीजों से मिलकर एक सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य एक आग का गोला है। सूर्य क्या है, एक हमारा आग का गोला। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों इतने पावरफुल होते हैं कि इसमें क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जबकि धूल के कण में उसकी थोड़ी सी हमारे पृथ्वी तक आते आते जो उसकी किरणें होती है मध्यम होती चली जाती है। तो इसलिए सूर्य हमारा वास्तविक ग्रह है। सूर्य के पास ही पृथ्वी है, सूर्य के पास ही हमारी पृथ्वी है। तो क्या है कि जब तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार जैसा एक सिगार के आकार जैसा कुछ पदार्थ अलग हो जाता है। अब सिगार के आकार जैसे हम मान लेते हैं कि ये चीज है और एक ये चीज है, ठीक है। ये जो चीज है, अब हमारा एक पॉइंट सी अलग हो गया और एक पॉइंट सी अलग हो गया। तो सूर्य के सतह से जब ये पदार्थ अलग हो गया तो ये हमारी क्या बन गई, पृथ्वी। क्या बन गई ये हमारी, पृथ्वी। अब पृथ्वी, तारा जब सूर्य से अलग हुआ और सूर्य सतह से बाहर निकला तो यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे बड़ा होकर ग्रह का रूप धारण कर लिया, जिससे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये सभी को समझ में आ गया है, तो मुझे कमेंट गुड। सूर्य एक सौर निहारिका से घूमता हुआ ग्रह है। हम एक चीज और बताएंगे कि सूर्य एक सौर निहारिका से घूमता हुआ ग्रह है, यानी ये है हमारी सौर निहारिका और सूर्य जो है एक घूमता हुआ हमारा क्या है, ग्रह। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिस तरह एक गुब्बारा है, ये हमारा छोटा सा गुब्बारा है, इसमें हमने पॉइंट्स लगा दिए। अभी ये हमें पॉइंट्स पास पास दिख रहे हैं, लेकिन जब यह गुब्बारा फूलेगा, हम इसको फुलाएंगे, तो हमारे ये पॉइंट्स दूर दूर हो जाएंगे। जैसे ये पॉइंट्स दूर दूर नजर आते हैं, एक हमारे जैसे कि ये कह सकते हैं कि ये हमारी आकाशगंगा है, इसमें ये तारे हैं, तो ये जो तारे हैं ये दूर दूर ही होते हैं, तो हम कह देंगे कि ये हमारी तारों से घिरी हुई जो स्थिति है वो एक आकाशगंगा
कहलाएगी। तब हमारी जो तारे हैं, तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ है, ग्रहों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया यहां तक? वेरी गुड। ब्रह्मांड का विस्तार बिग बैग सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्थाओं में माना गया है। पहले छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं, मान लीजिए कि हमारे छोटे छोटे परमाणु हैं, ये जब छोटे छोटे जो परमाणु होंगे, ये एक अति सूक्ष्म यानी छोटे से तापमान, छोटा सा जो तापमान है उसमें केंद्रित होते हैं। तापमान और